हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी वीडियो में फ्लर्ट क्यों करते हैं, रिलेशन में रहते हैं, कपल्स होते हैं हम, फिर भी फ्लर्ट क्यों करते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, आखिर क्यों किसी को चीट करते हैं, हम फ्लर्ट करते हैं किसी और के साथ। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि अगर आपका पार्टनर किसी और से फ्लर्ट कर रहा है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें, सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, सिचुएशन को कैसे संभालें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्लर्टिंग की जो सबसे पहली वजह आती है ना, वो होती है अट्रैक्शन, उसके बाद आता है सेक्स, उसके बाद तीसरी जो वजह आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, कपल्स में लड़ाई। जब कपल्स में लड़ाई होती है ना, जब बिल्कुल टूटे आते हैं, अंडरस्टैंड लेवल कम हो जाता है, लड़ाइयाँ काफ़ी होने लगती हैं, तब तीसरे की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम उससे सोचते हैं माइंड फ्रेश कर लें, थोड़ी बातें कर लें, चैटिंग कर लें, अच्छी अच्छी चैटिंग होती हैं, फिर उसमें हाई लव वाई लव ये सब आ जाता है, तो वहाँ से फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए फ्लर्टिंग करते हैं। लोग सिंगल होते हैं, वो सोचते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन होता कैसा है, इसलिए वो फ्लर्ट करते हैं। तो फ्लर्ट की काफ़ी सारी वजह आती हैं, लेकिन अगर सिंपल सी बात कहें तो फ्लर्ट सही है या गलत। देखो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और अच्छे रिलेशनशिप में हो जहाँ बहुत प्यार है, वहाँ पर अगर आप फ्लर्ट कर रहे हो तो सिंपल सा अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो। भले वजह कोई भी रही हो कि आपका पार्टनर से अभी आपकी लड़ाई हो, बात नहीं होती हो, वो आपसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, क्लोज रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वजह कोई भी हो, लेकिन अगर आप किसी और की तरफ फ्लर्ट कर रहे हो, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो सीधा सीधा वो अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो, वो भी बहुत बुरी तरह चीट कर रहे हो। तो ये चीज़ ऑब्वियसली यार पूरी तरह गलत है कि आप एक किसी के साथ रहते हुए किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत ही है। हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है, जब लड़कों लड़कियों में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब हमारी गर्लफ्रेंड है, जब बॉयफ्रेंड होते हैं, तो यार वो गुड लुकिंग नहीं होते, गर्लफ्रेंड सोचते हो थोड़ी क्यूट हो, स्मार्टनेस हो, ये हो वो हो, तो हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तो यार जब आपने प्यार किया था तब तो आपने उसको वो आपको अच्छी लगी थी। जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में आते हैं, जब हमें कोई अच्छा लगता है तभी तो आते हैं, कि हमें फोर्स तो करता नहीं है कि आ जाओ आ जाओ। जब वो हमें अच्छे लगते हैं, उनकी बातें, नेचर वाइज गुड लुकिंग लगते हैं, तभी हम आते हैं। लेकिन एक पड़ाव पे आके, एक एंड तक आके वो आपको बुरे लगने लगते हैं और भी अच्छा लगने लगता है, तो यार ये चीज़ गलत है, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। लाइफ में अगर ऐसे चलोगे ना, इस वे में चलोगे, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पा पाओगे, ना कोई रिलेशन हैंडल कर पाओगे, ना आगे तक बढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल फ्लर्ट करना तो गलत ही है। जो भी कपल्स हैं वो किसी को क्या फ्लर्ट करना बहुत ही गलत चीज़ है, यहीं पे रोक दो। अब बात करते हैं उनकी, जिनके पार्टनर को पता है कि उनका पार्टनर फ्लर्ट कर रहा है किसी और के साथ, बट वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, उन्हें लग रहा है कि यार वो उससे बहुत प्यार करते हैं, कैसे छोड़ें, और उसके बिना वो जी ही नहीं सकते। यानी बहुत प्यार हो जाता है यार इंसान के अंदर से, बहुत सारी फीलिंग आती हैं किसी के लिए, तो उसके लिए जीना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके बिना जीना। तो ऐसे सिचुएशन में वो बंदा क्या करे, या वो बंदी क्या करे, तो देखो सिंपल सी बात है यार, आपने पार्टनर के पास जाओ और उनसे बोलो, जा तो आप फ्लर्ट कर लो, जा तो प्यार कर लो, जा तो मुझे रख लो, जा अपनी इस आदत को रख लो, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ कभी नहीं चल सकती। आप सोचोगे कल को ठीक हो जाए, सब परसों ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं होगा। अगर ये चीज़ ख़राब हो रही है तो ख़राब हो ही रही है, इसको जब तक आप बैठ के बात नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ बिगड़ती चली जाएगी। आप सोचो चलो थोड़ा बहुत तो फ्लर्ट हर कोई करते हैं, नहीं, आज फ्लर्ट कर रहे हैं कल कुछ आगे बढ़ेगा, चीट तो कर ही रहे हैं ना आपको, इसलिए सबसे पहले आप जाओ और उससे कहो, लाइफ में अपनी जब फ्लर्ट रखो, जब मुझे रखो, दोनों चीज़ एक साथ कभी नहीं चल सकती, कभी भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता होगा तो ऑब्वियसली वो आपको चुनेगा, और अगर फ्लर्ट उसकी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो कह देगा ठीक है, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, देखो मैं ज़्यादा फ्लर्ट नहीं करता हूँ, देखो ये चीज़ ऐसे है वैसे है, मैं ऐसे नॉर्मल बातें तो करता हूँ, इसमें क्या बुराई है, वो समझाने की कोशिश करेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, ठीक है मैं आज से ये चीज़ छोड़ दूंगा, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर सच्चे प्यार को भी आप परख सकते हो, आपसे सच्चा प्यार करता है टाइम पास, ठीक है ना। तो अब इसका एंड में ये आता है कि फ्लर्टिंग बुरी चीज़ है भाई, कर रहे हो तो मत करो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो फिर भी फ्लर्टिंग कर रहे हो, बहुत ही गलत है यार, अपने लाइफ पार्टनर को चीट कर रहे हो। आप तो किसी को चीट करके चले जाओगे, लेकिन वो सामने वाला बंदा होगा ज़िंदगी में किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा, वो किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेगा आपकी हल्की सी फ्लर्टिंग के चक्कर में। और आप, हो सकता है आप भी किसी से बहुत बेहद प्यार करते हो, लेकिन आपको फ्लर्टिंग की आदत हो, और उसके चक्कर में आप किसी के बहुत अच्छा प्यार खो दो, और ज़िंदगी भर आपको ही फिर पछताना ही पड़े, आप भी सोचोगे यार आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई उसका साथ छोड़ के। हल्की सी फ्लर्टिंग, और फ्लर्टिंग से आपको पता है कुछ मिलने वाला है नहीं, टेम्परेली थोड़ी सी खुशी होती है, हो सकता है बंदे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो वो उससे भी बुरा बंदा हो, बहुत ही बुरा बंदा हो, ठीक है ना, लेकिन दिखने में अच्छा है तो आपने उसके फ्लर्टिंग चालू कर दी, एंड में पता चलेगा बहुत बुरा बंदा है, आपका यूज़ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ होती हैं, इसलिए इससे सच्चा प्यार करते हो उसी के साथ रहो यार,
उसी के साथ अच्छी तरह बातें करो, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा किसी और के साथ जाके फ्लर्ट करने में। ठीक, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अलविदा।